आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार, चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं तो ये लोग मोदी के खिलाफ लामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना, लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे। दोस्तों, ये आरजेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती।